हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो तो आपके लिए है। यहाँ पे हम आईआईटी जेईई 2007 का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, लेट 80 बिलो द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y बराबर e टू द पावर माइनस x एंड x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन x बराबर t एंड x बराबर माइनस t, देन लिमिट 80 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 3d पे। अभी हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली 80 क्या होगा हमारे पास, लिमिट ये होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, क्योंकि एरिया पूछा है हमारे पास 80 डिलो द एरिया, तो एरिया y डॉट dx और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस t से t, तो माइनस t से t ये होगा हमारे पास। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी टू टी ई टू दी पावर माइनस मोड एक्स और डी एक्स। अब इस मोड एक्स को अगर डिफाइन करें तो मोड एक्स किस तरह डिफाइन होता है, मोड एक्स बराबर एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया माइनस टी टू जीरो यानी एक्स हमारे पास नेगेटिव है, उस कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस एक्स डिफाइन होगा, तो ई टू दी पावर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू टी, इस बार हमारे पास ये एक्स इस तरह से डिफाइन होगा तो ई टू दी पावर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स और डी एक्स ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर हम इनको इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स और माइनस टी टू जीरो प्लस ये हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स है यहाँ पे, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन करें तो जीरो टू टी, लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारे पास वन और माइनस टी अप्लाई करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस टी ये हो गया, प्लस अब ई टू दी पावर टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस टी और जीरो अप्लाई करेंगे तो प्लस ई टू दी पावर जीरो यानी कि वन ये हो गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं हमें टू माइनस और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस टू ई टू दी पावर माइनस टी ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें चाहिए लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टी, तो यहाँ पर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टू माइनस टी। अब फिर टी टेंस टू इन्फिनिटी में ये टर्म जो है जीरो पे जाएगी, ये टर्म जीरो पे जाएगी, इसको मल्टीप्लाई टू से होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है टू जो बच गई थी, ये हमारे पास टू वैल्यू आई तो इसका सॉल्यूशन तो करेक्ट आंसर होगा, ये हमारे पास टू इसका करेक्ट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।